हाय दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गानंद चौधरी और आप देख रहे हैं डीके मोबाइल मधेपुर को। तो दोस्तों, ये माइक्रोमैक्स का Q381 है। इसमें प्रॉब्लम है कि अगर फ़ोन घर में जाता है या फ़ोन किसी बिल्डिंग विल्डिंग में अंदर जाता है तो नेटवर्क चला जाता है। ये देखिए, यहाँ पे भी नेटवर्क कम है, कभी एक कॉल पे आ जाता है, कभी फुल होता है। फुल तो कभी नहीं होता जल्दी, देखिए कम होता जा रहा है। तो चलिए आज इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले सेट ऑन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। सबसे पहले इसमें आई स्कैनिंग करना होता है। बोर्ड को अच्छी तरह से देखिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है वैसे ही दिख जाएगा आपको। तो चलिए एक बार हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए वैसे कितना धूल जमा है। ये देखिए एंटीना स्विच के पास दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कार्बन वगैरह लगा हुआ है। ये देखिए ये जो एंटीना स्विच है, यहाँ पे वाटर डैमेज के कारण ये सारा हुआ भी है। और ये यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, कैमरा में तो ढंग से नहीं दिखता होगा, देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसी को चेंज करके देखते हैं। इससे भी पहले यहाँ पे तीनों पे रीडिंग देखते हैं। ये देखिए बीच वाले पे बीप आना चाहिए, रीडिंग आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो एक बार हम सबसे पहले ये एंटीना स्विच को चेंज करके देख लेते हैं, देखते हैं फिर भी नेटवर्क फुल आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो हम IC लेवल पे जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पहले हम एंटीना स्विच को चेंज करके देखते हैं। ये देखिए हमने एक बार बोर्ड को भी ओपन करके देखे हैं, ये शील्ड को ओपन करके देखे हैं। इसमें स्पेक्ट्रम का CPU है, इसका RFIC भी स्पेक्ट्रम का ही है, जैसा कि देख सकते हैं। देख सकते हैं क्लियर दिख रहा है। SPD का CPU है, RFIC भी स्पीड ही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए सबसे पहले एंटीना स्विच को ही चेंज करके देखते हैं। ये देख सकते हैं एंटीना स्विच में प्रॉब्लम दिख रहा है। तो बने रही वीडियो के साथ, कोई दूसरा बोर्ड से हम एंटीना स्विच डाल के वीडियो से आते हैं। ये देख लीजिए बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए इस पे जम्पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर एंटीना स्विच हो जाए तो, अगर एंटीना स्विच डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास तो एंटीना स्विच अवेलेबल नहीं था, हमने जम्पर ही लगाए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप एंटीना स्विच भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिटिंग करके देखते हैं और थोड़ा थोड़ा इसको भी उठा देते हैं। चलिए फिटिंग करके देख लेते हैं। हमने ये भी निकाले थे।
ये देखिए नेटवर्क बिल्कुल फुल आ चुका है। पहले यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए पहले जो है 2 पोल 4 पोल 1 पोल कम ही रहता था, लेकिन अभी प्रॉपर नेटवर्क आ गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अगर आप भी मेरे तरह टेक्नीशियन है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।